नहीं इसमें हाँ बोलो पति को लो क्या सोच रहे क्या उठा के लिए हम लोग बाहर बैठे कुछ कर ज्यादा ही वो हो गया है शादी एक पवित्र रिश्ता है और ये बाबुल का घर है। बाबुल का घर मुझे बहुत प्यारा लगता है। और क्या कहना चाहूँ? और ये बंधन? और ये बंधन बहुत ही पवित्र है। जी नहीं है जो ये अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप देख रहे हैं सिकुन शादी का, ये फिल्म में बहुत ही आपको ड्रामेटिक लगेगा जब आप लोग सिनेमा देखेंगे, क्योंकि ये फुल ड्रामा है। जो फिल्म हमारी है एक कॉमेडी भी है, लेकिन इमोशन के साथ जो ड्रामा होता है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, अभी 500 बाराती के साथ आपकी बारात एंटर हुई थी, आपकी सवारी आई थी, पूरा यहाँ आगे पीछे पब्लिक पूरा क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहना ये चाहेंगे कि इतनी खूबसूरत दुल्हन है तो उसको इम्प्रेस करने के लिए आपके पास होना चाहिए ना थोड़ा सा हवाई है बंदा रखता है। एक्चुअली दूल्हे के साथ ना जो इतनी बारात आई थी वो दुल्हन को ही देखने आई थी। हाँ, मैंने कब बोला कि नहीं देखने आया? अच्छा, इसमें हम देख रहे थे कि ऑडियंस जो बाराती थे वो मोबाइल भी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और बारात में नाच भी रहे हैं, तो मतलब एकदम नेचुरल लग रहा था कि जैसे जो है शूटिंग नहीं वाकई बारात है। क्योंकि हमने बताया नहीं था किसी को, इसे लोगों को लगता है कि मतलब शायद हमारा अफेयर चल रहा है तो आज हम शादी कर रहे हैं। बताया नहीं हमने, बड़ो झूठ है वो। एक टोटली एक रील है जिसको कि आप बड़े पर्दे पर देखेंगे, रियल नहीं है। तो अपर्णा जी कितना रोमांस का तड़का लगाने वाली हैं आप विक्रांत जी के साथ में? गुड क्वेश्चन। यही लगाती है, मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। बंद कर दिया, मत रिकॉर्ड करिए आप लोग। रिकॉर्ड मत करो। तो भैया हाँ, तो कितना रोमांस का तड़का लगाने वाले हैं आप? मैं दाल में तड़का लगाऊंगी सिनेमा में, सब्जी में तड़का लगाऊंगी सिनेमा में, तो ऑब्वियसली रोमांस में भी तड़का लगा सकती हूँ। इसके लिए तो दर्शकों को फिल्म देखनी पड़ेगी कि इन्होंने रोमांस का तड़का दिया है या नहीं दिया है, या फिर मैं एक बहुत ही उग्रवादी किस्म की बीवी बनूं। उग्रवादी? ये देखा आपने जेस्चर देखा इनका किस एंगल से लगती हैं? किसी एंगल से लगती है, उसको लगता है कि है, बट शक्ल से तो क्यूट ही दिखती है ना। और यही सोच के तो मैं शादी किया, अभी इनके पोल खुल रहे हैं। सीरियसली इसके पहले मुझे जानकारी नहीं थी ना। एक्चुअली शादी के बाद ही पोल खुलती है। शादी के बाद ही बताते हैं कि हम कौन है। हाँ, क्योंकि दिखाना पड़ता है पत्नियों को, क्यों दिखाना पड़ता है कि वो क्या है। पति कुछ ऐसा करते होंगे राइट? अरे तो भैया शादी के तुरंत बाद थोड़ी करते होंगे, शादी के कुछ साल के बाद करते हैं ना। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, अभी शादी हुई और अभी पत्नी की शिकायत शुरू, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है ये ऑडियंस बताएगी। अभी कमेंट बॉक्स में बताना कि बताएगी नहीं, पूरा दुनिया पूरा वर्ल्ड इस चीज को जानता है कि प्रॉब्लम किसकी। प्रॉब्लम हमेशा मर्द की होती है। अभी प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल किसने किया? मैंने। आपने किया? नहीं, आपने किया कि अरे हाँ ये तो क्यूट दिखती है, ये क्यूट दिखती है, लेकिन अभी तो ये प्रॉब्लम करेगी क्योंकि तो बीवी है। नहीं नहीं, आप जैसा आपका जेस्चर जैसा आ रहा है वो खुद उनको समझ में आ रहा है कि अचानक से ऐसे कैसे, क्योंकि हम पत्नियों को ऐसा बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? हाँ। जाने दो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, शादी के पहले टूट जाएगी मेरी शादी, सुहागरात होने दो, उसके बाद देखा जाएगा। तो इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहेंगे? बाबुल का घर प्यारा लगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस फिल्म में आपको, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी कहानी है। और मैं और अपर्णा पहली बार काम कर रहे हैं, हम लोगों का पेयर पहली बार आप लोगों को दिखेगा,
और बहुत कमाल का, मतलब जो भी दिखेगा कमाल का दिखेगा। कहानी बहुत प्यारी है, मैंने बोला ना ड्रामा है, इमोशन है और कॉमेडी भी है। तो आप लोग इस फिल्म को देखिए और आप लोग इसको रिपीट भी देखने वाले हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैं अग्री करती हूँ, मेरे बहुत ही जैसे हैंडसम से को एक्टर हमारे साथ खड़े हैं, तो इनकी बातों से फिल्म थ्रू आउट बहुत ही इंटरेस्टिंग शूट हुई है। हर तरह का इमोशन देखने को मिलेगा आपको इस फिल्म में। एक पूरी तरह एक पारिवारिक फिल्म है ये, और रोमांस है, इमोशंस है, भर भर के इमोशंस है, तो ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है कम्प्लीटली। ये तो एक लव स्टोरी है अच्छी सी, जो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रुलाएगी, बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग इसको जरूर से जरूर देखिए। प्रोड्यूसर साहब के बारे में क्या कहें, जो इतना दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं कि मेकिंग में इतना बढ़िया से इंतजाम किया हुआ है। देखिए, कुछ चीज़ें बोलने की बात नहीं होती है, वो आप देख सकते हैं और लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि वाकई में जो कुछ भी हमने किया है बहुत ही ग्रैंजर में हमने शूट किया है, कुछ भी किया आप देख सकते हैं। जो डेकोरेशन हुआ है तो डेकोरेशन करने में पैसा लगता है, और पैसा हमारे प्रोड्यूसर साहब ही देते हैं, हमारे जो नवीन जी हैं और गिरी साहब हैं, गोविंद गिरी जी, तो बहुत ही उनकी तरफ से कोई भी मुझे लगता है कि कमी नहीं है, और इसीलिए हमें भी मज़ा आ रहा है काम करने में, बहुत ज़्यादा एकदम मज़े से काम कर रहे हैं, और कोई टेंशन नहीं है एकदम। और हमारे डायरेक्टर साहब भी बड़े प्यारे हैं, क्यूट हैं, वो भी एकदम कोई टेंशन नहीं है, आप अपने तरीके से अच्छा करिए। अच्छा, सुलझी हुई क्रिएटिव टीम है, टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी टीम है, तो इतनी अच्छी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, तो बार बार हमने दर्शकों को कहा है हमारी फिल्म को जरूर प्लीज़ Thank you. Thank you very much.